नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं बी न्यूज। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं सोनौला रामनगर चौराहे पे। यहां हम जानेंगे जनता की क्या राय है, इस बार मुद्दे क्या होंगे। सरकार के तमाम वादे, तमाम नेतागण अपनी वादे करते हैं और यहां से चले जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण स्तर पे अंचल में क्या सुविधाएं लोगों को मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है, इसके बारे में हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव सामने आ गया है, ऐसे में विकास के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के विकास? तो भाई साहब हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, विकास हुआ है और भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है और सरकार खर्चा भी कर रही है लोगों पर। मेरा मतलब व्यक्तिगत राय है ही नहीं कि इनका हम राय दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था इस सरकार में कैसी? बहुत अच्छी रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, ये समझ लीजिए। गुंडा राज नहीं रहा है कि किसी को दबा दीजिए, मार दीजिए, ये सब चीजें नहीं, सबकी फटी रहती थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, ये विश्वास काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। और जहाँ तक वोट का सवाल है तो वोट का सवाल कोई बताइबे नहीं करेंगे, जात मुद्दे, जात बिरादरी के मुद्दे पर भी वोट होगा, इतना जान लीजिए। जातिगत समीकरण इसमें इस बार भी चलेगा? चलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या इस बार 2022 का चुनाव विधानसभा का आने आ गया है, क्या इस बार जातिगत समीकरण इस बार चलेगा? जातिगत नहीं, जातिगत समीकरण नहीं, जातिगत समीकरण नहीं चलेगा। हमारे लिए सबका कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम है नहीं तो कोई भी आएगा, हिंदू रहेगा उसको वोट देंगे, कोई भी रहेगा, हरिजन भी आएगा उसको भी वोट करेंगे हम। इस बार के मुद्दे क्या होंगे आपके, किस तरह की आप नेता चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं अपने पथरदेवा विधानसभा में? बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई मान लीजिए कांग्रेस 70 साल राज किया, ये लोग कहते हैं कि महंगाई इतना चरम सीमा पे थी, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पर साल अभी 550 रुपया गज था, अभी 1000 रुपया हो गया, साल भर नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहा? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ, ऐसे में सरकार कह रही है कि हमने विधानसभा पथरदेवा में तमाम सड़कों का जाल बिछा रखा है, यहाँ के मानने जानने वाले कृषि मंत्री शिव प्रताप साई है, कद्दावर नेता है, यहाँ के विधायक भी रहे हैं, किसानों के लिए उन्होंने कितना काम किया पथरदेवा विधानसभा में? अब किसानों के लिए नहीं बता सकते, रोड तो सफाई गवर्नमेंट ने पूरा पहले ही फिनिश है, लगभग थोड़ा बहुत बाकी होगा। इन्होंने तमाम जगह शिलान्यास किया रोड का निर्माण के लिए, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर इसके बारे में हम नहीं जान रहे, इसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसे में हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि पथरदेवा विधानसभा में 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, सारी पार्टियां अपनी दमखम भरने में लगी हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, मैं इतना करूंगा, मैं इतना, आप किस तरह का नेता चाहते हैं अपने विधानसभा से, पथरदेवा की धरती? हम लोग साफ सुथरा छवि का नेतृत्व हो, ईमानदार आदमी हो, जिसकी पहचान प्रदेश में हो, जो विकास कर सके, लोगों की बात केंद्र तक पहुंचा सके, उस टाइप के नेतृत्व चाहिए। में आज भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे लोग नहीं सोच पाते हैं, कई ऐसे पिछड़े वर्ग भी हैं, कई ऐसे गांव में ऐसे दलित वर्ग भी हैं, इस पर क्या राय है, सरकार कितना उस पर काम कर चुकी है? भाई, सरकार सबके लिए शौचालय बनवाई है जी, या आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शौचालय है, पानी की सुविधा है, सड़क है, फ्री का राशन है, जो गरीब है उसको दवा है, 5 लाख तक की दवा आप फ्री करा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड पर दवा करा सकते हैं, आप टेलीफोन करें तो तुरंत एम्बुलेंस आती है, उसको आपको अस्पताल पहुंचाती है। अब की बार किसकी सरकार बनने, मतलब ये है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, अब की बार किसकी सरकार? हम लोग यह चाहते हैं मजबूत नेतृत्व हो, गुंडा राज खत्म हो, जो थोड़ा बहुत है वो अभी इस बार न रहे, और उसके लिए योगी जी जरूरी। समस्या ये हो गई, जितना भी अमाउंट आ रहा है सरकारी तौर पर, गन्ने का कोई भी चीज़, किसी का पेंशन का कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, अब वहाँ से तरका दिया जा रहा है कि ये अभी मिला नहीं है, रुका हुआ है, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वहाँ से हटा दिया जा रहा है क्या? हाँ, उसको सही करा दिया जाए ताकि कार्यभार ठीक से हो पाए। हाँ, ठीक पाओ, कोई परेशान ना हो, किसी भी छोटे से जो आया, जो भी सरकारी भी आया है, सब उसी में पड़ा हुआ है, मिल नहीं रहा है, मर्ज होने के बाद से समस्या है, इसको जरूर निपटाया जाए, बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि बैंक मर्ज का काफी समस्या हो रही है, तमाम ऐसे बैंक हैं जो बैंक एक दूसरे में मर्ज हो गए, वही समस्या यहाँ सोनौला रामनगर की धरती पर देखने को मिला। ऐसे में हमारे एक साथ चाचा जी जुड़े हैं, काफी बुजुर्ग हैं, हम इनके पास पहुँचते हैं,
काफी बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानेंगे ये, इनकी जज्बा और लालसा देखकर हमें ये लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। जी चाचा जी बताएं। आप ही बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? राम मंदिर को लेकर क्या मुद्दा रहेगी इस बार 2022 के चुनाव में? वो मुद्दा कौन, मंदिर बन गया और क्या मुद्दा है? भाजपा सरकार मान रही है कि मुद्दा ये रहेगा, पिछली बार मुद्दा ये चला था, इस बार कितना काम करेगी ये मुद्दा? ये मुद्दा कोई मुद्दा है? ये काम नहीं करेगी इस बार? करेगा, तो है ये है। करेगा काम, बनना था बन गया, बन गया, खत्म हो गया कहानी। महंगाई को लेकर चाचा जी आप क्या करें, आप तमाम बहुत बुजुर्ग हैं, तमाम ऐसे। महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है, नहीं है। पहले 2 रुपया किलो अनाज बिकता था, आज 20 रुपया किलो बिकता, उसी हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी है सबकी? कहाँ मजदूर, कहाँ मजदूरा मिलता है? ऐसे में सरकार कह रही थी कि जो निराश्रित पशु थे, घूम रहे थे, योगी सरकार आई थी, उनको बंद करके एक जगह अस्थायी गौशाला बनाई, जिसमें उनको गलत काम किया है खान पीन के। इस समय किसान के फसलों को क्या जो निराश्रित पशु है नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काहे के करेंगे, जब गौशाला है तो काहे करेंगे? नहीं, कुछ ऐसे पशु भी घूम रहे, किसान कह रहे हैं कि वो तो कर, वो तो कोई भी सबको खुश नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आज 84 बरस उम्र बा, जितने आए कितने गए सब नेता लोग, टोटल नेता चोर है। साफ सुनिए, नहीं लिखिए ना आप लोग, क्यों नहीं गाली, वो लोग गाली गलौज नहीं करते हैं नेता लोग? आप कैसे बोलते हैं, टीवी में नहीं करते हैं गाली गलौज, जूता मारते हैं। सड़क बिजली पानी क्या इसमें ठीक है? बिजली ठीक है, सड़कों का जाल कह रहे हैं कि सड़कों का जाल नहीं ठीक है, बढ़िया है। ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे सड़कों को लेकर। यहाँ के माने जाने कद्दावर नेता कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही माने जाते हैं, ऐसे में 2022 के चुनाव का आगाज भी हो चुका है और सपा से प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी बने हुए हैं, ऐसे में सरकार के क्या मुद्दे हैं? तमाम वादे करते हैं, मैंने सड़क किया, बिजली किया, मुफ्त बेरोजगारी कम कर दिए, युवाओं को नौकरी दी, इस पर क्या राय होगी? जैसे उन्होंने ये कहा कि हमने युवाओं को नौकरी दिया है, आज देखे आपके सामने तमाम नौजवान खड़े हैं, इसमें कोई ऐसा नौजवान आप दिखा दीजिए, कोई साबित कर दे यहाँ का कोई नौकरी पाया हो। अरे 10 रुपये ये दिल्ली बम्बई जाकर कमाया करते थे, उनको भी उन्होंने बेरोजगार कर दिया। और जहाँ तक आप सड़क और रोड की बात कर रहे हैं, हटिए तो ये कृषि मंत्री का जगह है, उनका ये अपना विधानसभा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सड़क पानी का क्या व्यवस्था है। आज 4 बूंद पानी गिरता है तो यहाँ के लोग अपने कपड़ों को उठा करके इसमें मोटरसाइकिलें फंस जाती हैं, यहाँ तक कि मंत्री जी की भी गाड़ी जाकर इसमें फंस जाती है, लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यहाँ नाले तक की व्यवस्था नहीं किया। यही तो आपका काम है, उनका, हर्ष गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि हमने विकास के पद पर हमेशा तो काम तो रहे, यही विकास का पथ है ना, देखिए आप अपने कैमरे में खींचिए, सबका साथ सबका विकास और हाँ। सबका विश्वास, सबका विश्वास पे भी उन्होंने कह रहा है हमने काम किया है। ऐसा है, वो किसी के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, आज जो है इस पार्टी का भारी विरोध है और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी निकाल मतों से जीतने जा रही है। ऐसे में तमाम वादे भी किए गए हैं सपा के तरफ से, ऐसे में क्या जनता क्या सोच रही है सपा सरकार को लेकर? सपा वादा करे या न करे, हमने ये देखा है कि मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही कि समाजवादी पार्टी कथनी में कम और करने में ज्यादा विश्वास करती है और जो कहती है उसको करती है। अगर ऐसी कोई सरकार बनी है और रही है तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जो हमेशा नौजवानों और हर जात हर वर्ग हर समुदाय के बारे में सोचा करती है। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लेकर चला था और काफी भरोसा भी पाए थे, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? ऐसा है कि राम भरोसे नाम हमेशा नहीं पार होती है, आज उनके पास कोई विकास का काम नहीं है,
आज फिर वही राम के भरोसे राम का नाम लेकर चल रहे हैं। अगर वो कुछ किए होते तो मैदान में आके कहते हमने ये किया है, लेकिन आज ये कहा अपनी नैया पार लगा लिए थे, तो क्या होगा? ऐसा है कि राम के भरोसे एक बार काम होता है, राम के भरोसे बार बार काम नहीं होता। राम के नाम को बेच करके ये बदनाम राम को भी कर दिए हैं, और राम इस बार नाराज हो करके इनको श्राप देने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जनता से हमने बात की, तमाम मुद्दे पर बात की, तमाम युवा भी थे, तमाम बुजुर्ग भी व्यक्ति थे। ऐसे में हम सुनौला रामनगर की धरती पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही हर ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।